हेलो फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे कि क्लाइमेटर क्या होता है और इसके अंदर क्या-क्या फंक्शन होते हैं और ये किस काम आता है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए पहले मैं इसको इसके फंक्शंस दिखा देता हूँ आपको, क्या-क्या फंक्शन होते हैं इसके अंदर। आप ये देख रहे हैं कि ये ए और उसके बाद ये सिंबल जो ये वाला है, ये होता है हमारा एसी करंट का एम्पियर और फिर ये एसी का सिंबल है। उसके बाद जो ये हमारा सिंबल है वो हमारा ओम रेजिस्टेंस का है और फिर ये वाला सिंबल जो डायोड कंटिन्यूटी का है और ये वाला हमारा डीसी वोल्टेज का है, ये हमारा एसी वोल्टेज का है, ये हमारा हर्ज जो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का है। तो मैंने पिछले मल्टीमीटर के सेशन में जो हमारी पिछली वीडियो थी मल्टीमीटर की, उसमें ये दिया हुआ था सब कुछ, उसमें भी मैंने बताया था। लेकिन ये वो डिजिटल मल्टीमीटर था, ये क्लाइमेटर था, क्लाइमेटर है। तो एक बार मैंने इसका एक चार्ट बना रखा है, आप उसमें देख लीजिएगा। जैसे कि ये पहले ऐसा सिंबल था जो हमारा एम्पियर एसी यानी कि एसी करंट को मेजर करने के लिए हमें ये काम आता है, और जो हमारा ऐसा सिंबल था वो हमारा ओम रजिस्टर जो हमारा रजिस्टर की वैल्यू चेक करने के लिए काम आता है। जो हमारा ऐसे दोनों सिंबल एक साथ बने हुए थे वो ये हमारा डायोड की वैल्यू चेक करेगा, मतलब डायोड चेक करेगा, और ये हमारा ऐसे कंटिन्यूटी चेक करेगा, कंटिन्यूटी बताएगा। और ये जो हमारा सिंबल था वो हमारा डीसी वोल्टेज के लिए था, डीसी वोल्टेज। इससे हम यहाँ पे इस जगह पे हम सेलेक्टर को सेलेक्ट करके और हम डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और ये हमारा वोल्टेज और एसी का सिंबल है, इसीलिए हम एसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। और ये हमारा हर्ज एच जेड जो कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, हर्ज, इससे हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये तो एक चार्ट था क्लाइमेटर का। तो एक बार मैं इसको कुछ और दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या-क्या होता है। जैसे कि आपने ये देखा हुआ है कि ये बटन है यहाँ पे रेड कलर का, उसको वो क्या करता है, जब हम कोई भी रीडिंग्स लेते हैं, एमपी करंट मेजर करते हैं या वोल्टेज मेजर करते हैं या डीसी वोल्टेज करते हैं, कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस वगैरह जो भी हमारे डिस्प्ले के अंदर वैल्यू आ जाती है, उसको वैल्यू आने के बाद इसको अगर इसको हम प्रेस कर देंगे तो वो की वो वैल्यू हमारी होल्ड हो जाएगी। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, 112 21 है। जैसे कि अब 21 की 21 होल्ड रहेगी यहाँ पे, ये मैंने प्रेस कर दिया है। जैसे ही मैं इसको प्रेस ओपन कर दूंगा, नॉर्मल वे कर दूंगा, तो ये हमारी चेंज हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हमारा ये होल्ड के लिए आता है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, डाटा होल्ड करने के लिए। और फ्रेंड्स, इसको क्लैम्पमीटर इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर ये क्लैंप होता है, जिस जहाँ से हम करंट को मेजर करते हैं, इसके अंदर से हम वायर को डाल मेजर कर लेंगे, इस डिस्प्ले में हमारा करंट आ जाएगा, कितना करंट चल रहा है। चलिए एक बार मैं आपको इसकी लीड भी दिखा देता हूँ। ये इसकी प्रोब्स हैं, जो लीड है जो ब्लैक वाली है वो हमारी इस कॉमन में लगती है, और जो ये रेड वाली है वो हमारी जो ये लिखा हुआ है वोल्ट ओम हर्ज इस पे लगती है। तो इन दोनों पे लगा के हम रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, डायोड और डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा क्लाइमेटर का इंट्रोडक्शन, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको एक बार करंट को फिजिकली यानी कि प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये सिंगल फेज की मोटर चल रही है, इसके ऊपर एक मोटर चल रही है। तो उसका लोड हम कैसे चेक करेंगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिजिकली। तो सिंगल फेज है तो ऐसे ही पता लग रहा है कि उसका लोड हमारा कम होगा, तो इसको हम सेलेक्ट को 200 एम्पियर पे सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे कम यही है। और हमें क्या करना है, इसको क्लैंप को ऐसे दबाना है, ओपन करना है और इसको ऐसे करके कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 1.9 एम्पियर लोड आ रहा है। और हम इसको दूसरे इसमें चेक कर लेते हैं, ये भी अप्रोक्सीमेट उतना ही है, नियर अबाउट। आप देख सकते हैं दोनों में सेम है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि क्लैम मीटर हमेशा एक वायर का ही
एक वायर इसके अंदर लगा के तभी मेजर करते हैं, दो वायर ऐसे करके हमें कभी मेजर नहीं करते, क्योंकि ये ऐड करके वैल्यू बताता है तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हमें इसको एक वायर से ही इसका लोड मेजर करते हैं, एक एक वायर से ही ये लोड बताएगा, न कि दो वायर से। और क्लैमीटर का सबसे बढ़िया फंक्शन एक ये है कि इसके अंदर केबल को कुछ नहीं काटना पीटना पड़ता, सीधा डायरेक्ट इसको क्लैंप के अंदर डालो और इसका लोड चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक लोड चेक कर सकते हैं मोटर का या किसी चीज़ का भी क्लैमीटर की सहायता से। तो ये था हमारा क्लैमीटर का यूज़, कैसे हम क्लैमीटर को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बाइक इलेक्ट्रिकल को। जय हिंद।